हे गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एपिक डार्क वर्ल्ड। हमारा भारत देश बहुत सारे परंपरा और संस्कृति से बना हुआ है। हमारे भारत देश में कई सारे धर्म के लोग उनकी परंपरा के साथ रहते हैं। हमारे भारत देश का इतिहास भी बहुत सारे वर्ष पुराना है, पर कभी आपने सोचा है कि इतने परंपरा से और पुराने इतिहास के देश में कई सारे राज छुपे होंगे, कई सारे रहस्य इस जमीन में दबे होंगे, बहुत सारे रहस्यमय जगह, घटना और जीव जंतु होंगे। वैसे ही आज हम हमारे भारत देश का सबसे रहस्यमय जानवर के बारे में बात करने वाले हैं। हिमालय के पहाड़ों में, गहरे जंगलों में इस रहस्यमय जानवर का ठिकाना है। कई सारे कहानियों से प्रसिद्ध हुआ इस जानवर का नाम यति है। यति जानवर के बारे में बहुत सारे सिद्धांत और अलग अलग राय है। कई लोगों ने इस जानवर को देखने का दावा किया है। ये जानवर दिन भर दिन अपने सुराख छोड़ते जा रहा है। यति पर बहुत सारे लोक कथाएं बनी हुई है। लोक कथा के अनुसार ये एक विशाल हिम मानव है जो मनुष्य जैसे दिखने वाला एक प्राणी है। यति को बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म्स में दिखाया गया है। यति को हिमालय, साइबेरिया, मध्य और पूर्व एशिया का निवासी कहा जाता है। तो आज हम इसके पीछे का राज जानेंगे। हम उन घटनाओं को जानेंगे जिसमें यति को देखने का और उसके होने का दावा किया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। जेम्स प्रिंसेप, जो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उन्होंने एक उत्तरी प्रदेश के एक नेपाली ट्रेकर बी एच होडसन का अनुभव प्रदर्शित किया। उन्होंने स्थानीय गाइड्स ने एक लंबे द्वीपपाद को देखा जो काले बालों से ढका हुआ था। वो डर के मारे भाग गया था। पर में एक फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी के सदस्य एन ए टॉम्बी ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक प्राणी को लगभग 15,000 फीट मतलब 4,600 मीटर के जेमू ग्लेशियर के पास देखा। उन्होंने लगभग एक मिनट तक इस जीव को 200 से 300 यार्ड तक देखा, मतलब 180 से 270 के दूरी के बीच में उन्होंने इस जीव को देखा। उन्होंने बताया कि वो जानवर बिल्कुल एक इंसान की तरह था। उसका चलना, बीच बीच में झाड़ियों को खींचने के लिए रुकना, सब कुछ एक इंसान की तरह। लगभग 2 घंटे के बाद टॉम्बी और उनके साथियों को उसके पैरों के निशान मिले। अप्रैल 2019 में भारतीय सेना को पर्वतारोहण अभियान दल को मकालू बेस कैंप के पास एक रहस्यमय यति के पैरों के निशान मिले जो 81 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर का था। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पैरों के निशान यति के बालों के सबूत मिले। जैसे जैसे ये साल भर साल बीत जा रहे, वैसे वैसे यति जैसे रहस्यमय जीव बाहर आ रहे। कई लोग यति पर विश्वास करते होंगे और कई लोग नहीं करते होंगे, पर जैसे जैसे सबूत मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे यति को होने का संभावना बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन ऐसे रहस्यमय जीव सामने आ रहे हैं।
आपको क्या लगता है, यदि सच में है या नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी रहस्यमय वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं एक और रहस्यमय और मिस्ट्री से भरी वीडियो के साथ।